आज मैं शॉपिंग करने आई हूँ अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ, जो मेरे साथ एक्चुअली काफी नाराज चल रही हैं। देख सकते हो कितनी नाराज है ये, मुंह सुझाइए। अच्छा चलो यार बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अनु। अच्छा तो तानिया और मैं फिर से साथ आ चुके हैं, हम क्रिसमस के बाद। यस, आफ्टर क्रिसमस। देखो याद कब आती है लोगों को, जब शो खत्म भी हो जाता है तब याद आती है लोगों को। नहीं, हम लोग प्लान बहुत करते हैं पर हमेशा कैंसिल करती थी तानिया। इट्स द अदर वे। अच्छा तानिया, वैसे हम लोग कहाँ आए, कहाँ शॉपिंग? हम शॉपिंग करने आए हैं कल्की स्टोर में, और मैं आपको बता दूं कि ये ओल्डेस्ट आउटलेट है कल्की का, विच इज़ इन वर्ली। तो और कल्की स्टोर में ब्राइड एंड बारात करके एक बहुत ही स्पेशल इवेंट चल रहा है, और आज उसका लास्ट डेट है। सो आई डिडंट वांट टू मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू चेक आउट द कलेक्शन। तो मैं आ गई हूँ कल्की के स्टोर में उनके बहुत ही यूनिक कलेक्शन चेकआउट करने के। ओके, तो अब हम अंदर जाएंगे, और मैं तानिया के साथ पहली बार शॉपिंग पर आई हूँ, तो मैं देखती हूँ तानिया क्या पसंद करती है। मौका दिया गया है, मौका। ओह गॉड, इस गरीब को इतना मौका मिला है, तानिया ने दिया है, वो सही बात है। तो आज हम देखेंगे कि तानिया की चॉइस क्या है। वैसे तो बहुत स्टाइलिश बनती है, पर देखती हूँ बनती है। एक्सक्यूज मी, एवरीबॉडी नोज दैट। या चलो लेट्स गो, चलो एंड चेक आउट द कलेक्शन। पता नहीं लाइट में कैसा लग रहा है, बट एक्चुअल में स्काई ब्लू कलर है, सो आई रियली लव दिस कलर। तो कलर की वजह से तो इसने, ये ड्रेस ने मुझे पहला अट्रैक्ट किया। सेकेंड, इट्स बिकॉज ऑफ द स्टाइल। कल्की कीप्स कमिंग अप विद डिफरेंट स्टाइल्स एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड, तो इसलिए मैंने उनका एक डिफरेंट स्टाइल ट्राई किया। एंड ये जो मेरी आउटफिट है, इट कंसिस्ट ऑफ क्रॉप टॉप, प्लाजो एंड अ डिफरेंट टाइप ऑफ केप विद ड्रामेटिक स्लीव्स। सो ड्रामा तो पता ही है करती हूँ मैं, तो मैंने ये पकड़ लिया ये ड्रेस। एंड ऑफकोर्स ये ड्रेस आप कहीं भी हाई फैशन लॉन्च में पहन सकते हैं, या फिर आप किसी की शादी में जा रहे तो पहन सकते हैं। सो या आई वुड वेयर इट फॉर अ रेड कार्पेट टू। ओके चलो फिर नेक्स्ट ड्रेस देखते हैं कि तानिया क्या पहने। वो मेरी पसंद का होगा। हाँ वो इसकी पसंद का होगा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है अपेरेंटली। इसने मुझे बहुत फोर्स किया, लेकिन एक्चुअली आई लाइक दिस पीस ऑल्सो, क्योंकि क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं ये नॉर्मल केप नहीं है, इट इज विद द टैसल्स। और ये कल्की का न्यू कलेक्शन है, जैसे मैंने बोला ब्राइड एंड बारात का लॉन्च इवेंट जो हुआ है उसके मैं लास्ट डे पे आई हूँ, एंड आई डिडंट वांट टू मिस दैट कलेक्शन, और मैंने नहीं मिस किया। और ये मरून कलर है विद अंदर एक चोली टाइप है, जो आप बिना केप के भी पहन सकते हो, सो इट्स लाइक 3 in 1, आप कैसे भी इसको स्टाइल कर सकते हैं, और आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं ये ड्रेस। ये बोलो, ये सबसे बड़ी बात है लड़कियों के लिए, सो आई गेस दिस इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट। ऊपर से केप तो नॉर्मल होते हैं, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट विद द टैसल्स, और यहाँ पर डिज़ाइन दी गई है, सो यू कैन वेयर इट इन एनी फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल पे पहन सकते हैं, दिवाली भी पहन सकते हैं, बट उससे पहले बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, सो यू कैन ट्राई देम आउट। ओके तो लास्ट एक और ड्रेस आप ट्राई करने वाले हैं। यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल ट्राई समथिंग सिंपल, जो लोगों को शूशा नहीं पसंद है और ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करना है, और सिंपल स्वीट लगना है। आई एम गोना ट्राई दैट। तानिया मतलब तीसरे अवतार में आई गई। धूम
जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरा तीसरा आउटफिट होगा वो बहुत ही क्यूट बट सिंपल होगा फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर जिनको हैवी ड्रेसेस पहनना पसंद नहीं है पर एथनिक पहनना है विद अ मॉडर्न टच. सो कल्कि इज द स्टोर फॉर यू क्योंकि जो कल्कि के सारे जो डिज़ाइंस होते हैं वो आपको हर चीज़ मिलेगी वहाँ पे. प्योर इंडियन भी मिलेगी, साड़ियाँ भी मिलेंगी, लहंगे भी मिलेंगे, केप्स भी मिलेंगे, एवरीथिंग. बट वॉट आई लाइक अबाउट द स्टोर द मोस्ट इज द फ्यूजन दे मेक बिटवीन एथनिक एंड मॉडर्न. तो मुझे ये बहुत पसंद है और मैं ब्राइड एंड बारात के कलेक्शन को चेक करने आई थी और मुझे ये बहुत ही सैटिस्फाइंग 3 आउटफिट्स मिल गए, ऑल 3 डिफरेंट एंड ऑल 3 ब्यूटीफुल कलर्स. सो आई एम रियली हैप्पी. वैसे अगर फैशन की बात करूँ तो कितना एक्सपेरिमेंट करती हैं आप? एक्चुअली मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ लेकिन मैं थोड़ा सेफ प्ले करती हूँ. मैं किसी को इतना फॉलो नहीं करती हूँ. अगर आप मेरे आउटफिट्स भी देखोगे सो आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर स्टाइलिस्ट. मैं खुद ही अपने दिमाग से सोच के कि अच्छा मेरी इमेज को क्या सूट होगा. आई एम अ यंग पर्सन, लाइक माई इमेज ऑल्सो इज यंग. सो मैं सोचती हूँ कि यूथ को क्या अच्छा लगेगा मेरे पे या मुझे क्या अच्छा लगेगा. फर्स्ट आई ऑलवेज थिंक कि मेरे को कंफर्टेबल रहना चाहिए क्योंकि अगर मैं कुछ संभाले जा रही हूँ पूरे इवेंट में सो इट्स समथिंग विच आई डोंट लाइक और वो अपोजिट पर्सन को भी नहीं अच्छा लगेगा. सो आई प्रिफर कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश, दैट्स व्हाट आई प्रिफर. ये मुझे हर हर अवार्ड शो पे लगता है बट ऑब्वियसली मन ही मन वीओस चलते रहते हैं मेरे. बट इट्स ओके, कभी कभी फैशन डिजास्टर होता है, कभी कभी नहीं होता है. समटाइम्स यू वेरी गुड, समटाइम्स यू ओके. सो इट्स ओके, पीपल तो विल जज इवन इफ यू आर वेयरिंग गुड, इवन इफ यू आर वेयरिंग बैड. सो जस्ट चक देम, जस्ट वेयर व्हाट यू लाइक. ये ड्रेस की सबसे क्यूट बात मुझे ये हार्ट्स लगी है बिकॉज इसकी जो नेक पे है वहाँ भी हार्ट्स है, बैक में भी हार्ट्स है और यहाँ पे भी हार्ट्स है. आई एम अ स्वीट पर्सन दैट वे, सो आई एम अट्रैक्टेड टू ऑल दी स्वीट थिंग्स. मैंने 3 ड्रेस ट्राई किया, अगर उसमें से कोई ड्रेस लेना हो तो कौन सा ड्रेस लेना हो? अगेन तीनों आउटफिट्स डिफरेंट टाइप के आउटफिट्स है. जो मैंने फर्स्ट ट्राई की थी वो थोड़ी रेड कार्पेट टाइप सी या यू नो ब्राइड्समेड या मैरिज टाइप, और सेकेंड टाइप भी थोड़ी हैवी थी. बट आई थिंक वॉट आई वुड लाइक टू टेक होम इज दिस ड्रेस क्योंकि ये बहुत ही कम्फर्टेबल है. इवन दोज वर कम्फर्टेबल, दिस इज रियली नाइस, इट सूट्स माई इमेज. सो तानिया बैग के साथ एकदम तैयार हो चुकी है, लेके भागो ये चोर कर, चोर है ये, चोरी कर लेगी मेरी ड्रेस. दिया भी नहीं इसने मुझे. हाँ तुम कर लो अपनी बात, अब आज मेरी शॉपिंग के लिए तो तुम्हारी शॉपिंग करें. अच्छा ताने कितना ज़्यादा एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया क्योंकि इसका नया कलेक्शन था, मैंने कभी ये कलेक्शन देखा नहीं कल्कि में. सो आई एम रियली हैप्पी एंड शॉपिंग मेक्स मी हैप्पी एनी वे. सो मैंने अपनी झोला भर ली है फॉर माई फेस्टिव सीजन, सो आप भी भर लो. अच्छा लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना है? फैंस को बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि कीप लविंग मी एंड आई विल सून बी बैक. सो ऑल्सो अ वेरी बिग थैंक यू टू स्लैश प्रोडक्शन, टेली मसाला एंड ऑफ कोर्स टू कल्कि फॉर गेटिंग मी हियर एंड फॉर लेटिंग मी ट्राई द क्यूट क्लोथ्स.